27 नवंबर को 230 सदस्यों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज नामांकन पत्र भरने का काम समाप्त हो गया। कांग्रेस जहां 229 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं बीजेपी ने सभी 230 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। दोनों ही दलों को बगावत का सामना भी करना पड़ रहा है। टिकट न मिलने से नाराज कई पार्टी नेता अलग अलग दलों में शामिल होकर चुनाव में कूद पड़े हैं। नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन होने के कारण निर्वाचन कार्यालय में प्रत्याशियों और समर्थकों का सुबह से शाम 5 बजे तक जमावड़ा लगा रहा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को नामांकन फॉर्म जमा करने का आज आखिरी दिन था। आज का दिन रैलियों के नाम रहा। कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों की सूचियां एक दिन पहले तक जारी होती रही, ऐसे में आज अधिकांश उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र जमा कराया। कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार तो रैलियों सहित निर्वाचन कार्यालय पहुँचे ही, इन दलों से बगावत कर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार भी गाजे बाजे के साथ नामांकन दाखिल करने पहुँचे। सभी उम्मीदवारों का जोर अपने प्रतिद्वंदी से ज्यादा बड़ी रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन करने पर था, जिससे चुनाव की शुरुआत में ही बढ़त हासिल कर ली जाए। जिन उम्मीदवारों ने आज नामांकन दर्ज कराया, उनमें बुधनी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर उतरे अरुण यादव और होशंगाबाद से बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए सरताज सिंह प्रमुख थे। प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। ऐसे में टिकट के दावेदार भी इन्हीं पार्टियों में सबसे ज्यादा थे। जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिला, उनमें से कई लोग अब पार्टी को ही हराने में जुट गए हैं। कुछ तो दूसरे दल का दामन थाम चुनाव मैदान में भी कूद पड़े हैं। अब दोनों ही पार्टियों की कोशिश 12 नवंबर तक बागियों को अपने पक्ष में करने की होगी। आपको बता दें कि 12 नवंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन वापसी का अंतिम दिन है। ऐसे में जो भी पार्टी बागी नेताओं को मनाने में कामयाब हो जाएगी, चुनाव में उसे सफलता मिलने की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।